गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी स्नोई सी मॉर्निंग में वेलकम है। और मेरे को आई थिंक 2 दिन हो गया ब्लॉग शूट किए हुए, एंड इट सीम्स लाइक होल वीकेंड स्नो हुई है और अभी भी कंटिन्यूसली स्नो हो रही है। सो व्हेन इट स्नोज, बाहर का व्यू इतना सुंदर होता है, सो इट्स द बेस्ट पार्ट। फिलहाल तो मैंने ये लेटर पार्ट ऑफ वीडियो पहले डाला है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी उठ गई थी। लाइक आई वोक अप अर्ली, क्योंकि स्नो होता है ना देन लाइक अंधेरा भी काफ़ी जल्दी होने लगता है, सो इट बिकम्स ईजियर कि अंधेरा होने से पहले आप सारा काम कर लो, तो सो दैट यू नो शाम में आप आराम से घर पे बातें कर सकते हो, या फिर यू नो आप अपना मी टाइम, चिल टाइम, मूवी टाइम जो चाहो कर सकते हो। और अभी देखिए बाहर कितना सुंदर लग रहा है। माई कैमरा डेफिनेटली डज नॉट डू जस्टिस, मेरा कैमरा इतना हाई फाई नहीं है, मैं अपने आईफोन से ही शूट करती हूँ, सो जितना हो पाता है वही है, लेकिन अदरवाइज आप देखोगे तो बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने शावर ले लिया था तब का क्लिप है। अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, तो मैंने सबसे पहले फटाफट से सोचा कि ब्रेकफास्ट बना लेते, क्योंकि इतने विंटर्स में ना सबसे ज़्यादा आलस होती है। लाइक आई मीन इट्स नॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू बी ऑनेस्ट, कुकिंग एंड ऑल इज़ नॉट अ लॉट ऑफ वर्क। अगर आप सब कुछ ऐसे टाइमली मैनेज करो तो ओनली थिंग आप लेज़ी हो जाते हो, तो हर चीज़ डिले हो जाती है। और आज मैं बहुत ही बेसिक सा नाश्ता बनाने वाली हूँ, जो कि आई थिंक हर हाउस होल्ड में एवरी अदर डे बनता ही है, विच इज़ आलू की भुजिया एकदम स्पाइसी वाली। और क्योंकि विंटर्स में ना स्पाइसी खाने का जो मज़ा होता है, इट हैज़ नो कंपैरिजन। और यू नो मुझे हेड वॉश इतने दिन से करना है, लेकिन अदरवाइज़ आई डोंट फाइंड टाइम। लाइक विंटर्स में इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट। लाइक अगर आपको बाल ड्राई भी करना है, तो फिर मैंने सोचा पहले जो है कुकिंग वगैरह का काम फिनिश कर लेती हूँ, जो भी फ्राइंग वगैरह, एनीवे कुकिंग तो चलता ही रहता है, लेकिन जो बेसिक फ्राइंग वगैरह चीज़ें वो सब थोड़ा फिनिश करके देन आई टेक शावर एंड देन यू नो प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द डे। सिंपल सा मैंने आटा लिया था और आलू की भुजिया, तो आप सबको पता ही है एलेपिनो और आलू डाल के बनता है, तो उसमें कोई यूनिक रेसिपी नहीं है इसमें ना। जैसे कि मैं ये ट्रायंगल वाला पराठा आज बनाने वाली हूँ, सो व्हाट हैपेंस कि कोई भी चीज़ में ऐसे हल्दी डाल दो ना, स्पेशली इंडियन कुकिंग में, तो उसका ना एक अलग सा एकदम मस्त सा फ्लेवर आ जाता है। मुझे ऐसा मतलब फ्लेवर नहीं, एक कलर आ जाता है येलोविश, देन दैट गिव्स अ वेरी अपीलिंग लुक टू द फूड। सो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ आटा लगाती हूँ तो थोड़ा सा हल्दी डाल के, और मुझे तो बोल रहे थे ये तुम आटा में भी हल्दी डालती हो, मैंने बोला हाँ उससे थोड़ा येलोविश पराठा बनता है ना, तो मुझे ऐसे देखने में अच्छा लगता है। कैफे वाला कॉफ़ी ख़त्म हो गया है और अमेज़ॉन में आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, तो आई हैड ओनली वन ऑप्शन ही अमेज़ॉन ब्रांड का इंस्टेंट कॉफ़ी ऑर्डर करने का, एंड इसका टेस्ट नो कंपैरिजन टू अपनी इंडिया वाली जो नेस्कैफे वाली कॉफ़ी होती है। और वो वाला जो कॉफ़ी मैं मतलब मेरा बड़ा वाला पैक था वो मैं इंडिया से लेके आई थी, और वो इतना मतलब चला, लाइक ये वाला कॉफ़ी का फ्लेवर तो बहुत ख़राब है, पता नहीं वो इंडिया वाला नेस्कैफे का कॉफ़ी जो होता है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन अभी अमेज़ॉन में आउट ऑफ स्टॉक है, और जो एक अवेलेबल था वो डबल द प्राइस था। यू नो राइट नाउ एवरीथिंग, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो यहाँ देखिए अपने मस्त मस्त से ट्रायंगल वाले पराठे बन रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग गरम गरम पराठे, वो भी स्नो में।
मुझे 2 दिन पहले थोड़ा सा यू नो लाइक आई वॉज फीलिंग अ लिटिल लो, और मुझे ऐसा लग रहा था फीवर फीवर है, वो मेरा माइंड में था लेकिन एक्चुअली मुझे फीवर था नहीं. मतलब होता है ना इंसान आलस में होता है ना, तो उसको खुद में फीवर सर्दी खांसी सब कुछ होने लगता है. लेकिन ठीक है, मुझे मैं मगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसे वीकनेस लगता है ना तो मैं काम करने लगती हूँ तो मेरा वीकनेस गायब हो जाता है. ऐसा होता है. और मेरे घर में सब कोई बहुत लेजी है. मतलब एवरी डे एक ही सबका डायलॉग होता है, क्या चलो बाहर से खाना मंगाते हैं, चलो बाहर से खाना मंगाते हैं. आई एम लाइक आई एम डन, आई कैन नॉट ईट दैट ऑयल एंड ग्रीस, इट्स सो बैड. मेरा जो वेट कम हुआ है ना वो वापस से आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट. मतलब पिज़्ज़ा खाने का इतने दिन से मन हो रहा है लेकिन आई एम लाइक प्रोकेस्टिनेटिंग. देखते हैं पिज़्ज़ा 6 महीने में एक बार खाएंगे. एनीवे चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दही बनाने के लिए दूध को एकदम मलाई उसका एकदम ढेर सारा मलाई, जब ऐसे लेयर पे लेयर आता है ना तो, और यहाँ पे दही बहुत इजीली बन जाता है. लाइक पहले मैं लेजी थी इसलिए नहीं बनाती थी, ओवन में डाल दो तो विद इन 7 कितना भी स्नो हो ठंड हो मतलब 7 घंटे के अंदर तो आपकी दही जमी जानी है. और मैंने इसमें काफ़ी सारा एलपिनो डाला था, ये जो मैं भुजिया बना रही हूँ इसकी वजह से इसका है ना उसे जैसे लगता है ना हमने उस पर कोई हर्ब डाला है वैसा आता है. और ये वाली दही मतलब दही तो हम लोग इतना आजकल खा रहे हैं, मतलब हम लोग थोड़े यूनिक ही हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं आजकल. कल ना मतलब मुझे ऐसा हो गया जैसे लास्ट वीकेंड भी सैटरडे संडे यू कैन नॉट ट्रस्ट. आई वॉज द लो मोस्ट लेजी पर्सन. लाइक मुझे शावर लेने में भी आलस आ रहा था, इतने स्नो में ना मतलब ऐसे शावर लेने में भी आलस आता है, क्या करूँ मैं. लेकिन ठीक है चलो. और यहाँ पे मेरा एक टाइम का कुकिंग हो जाता है फिर मैं रिलैक्स होकर आराम से शावर ले सकती हूँ. और यहाँ पे मैंने ढेर सारे पराठे बना लिए थे क्योंकि दही ऑलमोस्ट रात तक जम जाएगा, तो ऐसे अब पराठे दही पराठे अचार पराठा भुजिया कुछ सब्जी है लेफ्ट ओवर उसके साथ भी खा सकते हो. और इन पराठों में ना मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला था, लाइक जस्ट लेयर के बीच में एक एक ड्रॉप डाला था अदरवाइज. और इतने सॉफ्ट बने थे ना, ट्रस्ट मी. लग मतलब लोगों को लगता है कि ऑयल डालोगे तभी सॉफ्ट बनेगा, दैट्स नॉट अ थिंग. अगर आप ऐसे भी बनाओगे ना तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं. जैसे ये वाले पराठे आपको मतलब आप फील नहीं कर पाओगे लेकिन ऐसे लुक वाइज आप मेकअप कर सकते हो, बहुत अच्छे बने. और उसके साथ अपनी क्रिस्पी वाली, क्रिस्पी नहीं ऑयल तो मैं डालती हूँ नहीं, कहाँ से क्रिस्पी होगा. सो या ऑलमोस्ट सारा जो ब्रेकफास्ट का काम फिनिश हो गया है. अभी मैं दही को सिर्फ जो है ओवन में डाल दूँगी. ओवन में मैं इसे बेक नहीं करती, ओवन का ऐसे टेम्परेचर को थोड़ा ओवन को हीट अप करके ओवन ऑफ कर देती हूँ. उसके बाद उसमें दही को आप रख दो बिकॉज गर्मी से यू ना बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है. और इधर ना मुझे ये गुजराती कुछ कुछ फर्मेंटेड डिशेज़ होती है वो सब बनानी है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता. मैं रात को देखती हूँ रेसिपीज और अगले मॉर्निंग मुझे पता नहीं कैसे दिन स्टार्ट होता है और कैसे ख़त्म हो जाता है. बिकॉज़ वेजिटेरियन प्रोटीन में ना आई थिंक गुजराती क्यूज़ीन में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती है जिसमें बेसन एक मेजर पार्ट होता है. आई एम नॉट अ प्रो, आई एम स्टिल लर्निंग. सो मेरे रेसिपीज़ हो सकते हैं आगे जो आए मेरे एक्सपेरिमेंटल वो थोड़े ऊपर नीचे हो बिकॉज मैं भी खुद सीख के आप लोगों से शेयर करती हूँ. और यहाँ पे माइक्रोवेव इतना डस्ट मतलब इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है बिकॉज ऊपर से, और मैं जनरली चिमनी ऑफ कर देती हूँ, बहुत शोर होता है. लाइक चिमनी आप ऑन भी रखूँ ना तो ऐसा लगता है ओह गॉड मेरे सर में दर्द हो जाएगा. और किचन में ऑलरेडी इधर कुकिंग उधर चिमनी उधर से पीछे से कोई बोल रहा है, बहुत अनोइंग होता है. बाद मैंने शावर लिया और ये वाला जो है ना मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कोट, लाइक एवरी वन हैज़ अ फ्रेंड बट द लकी वंस आर द सेम हु हैव द सेम फ्रेंड इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, विच इज़ वेरी ट्रू. फ्रेंड्स तुम बहुत सारे बना सकते हैं लेकिन जो सच में अच्छे वाले दोस्त होते हैं ना वो आपके कोई भी हो सकता है, आपका ब्लड रिलेशन में आउटसाइड ब्लड रिलेशन कोई भी हो सकता है लेकिन वो एक आध जन ही होते हैं, हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता. सो यहाँ पे मैंने हेड शावर लिया बिकॉज विंटर्स में हेड शावर लेना मतलब एक क्या बोलूँ एक टास्क होता है, ऐसा लगता है मिशन पे जाना है.
और शाल लेने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, जैसे कुकिंग के बाद ना, जैसे आप कुकिंग मेजर कुकिंग कर लो उसके बाद आप शावर लो, देन यू रियली फील यू नो लाइक आपने एक बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट कर लिया, मुझे तो ऐसा लगता है। और यहाँ पे मस्त एकदम हल्की हल्की सी बारिश, अभी यहाँ तीनों वेदर का मिक्स हो रहा है, राइट, धूप, बारिश और स्नो। तो मतलब हल्का हल्का सा धूप निकलने लगा था और स्नो एक्चुअली जमा नहीं हो रहा बिकॉज इट्स रेनिंग, तो बिकॉज ऑफ द रेन स्नो जो है मेल्ट होके निकल जा रहा है। और नहाने के बाद बनाई अपने लिए अच्छी सी टी, बिकॉज टी इज़ अ कंपल्शन ड्यूरिंग विंटर्स, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टी। सो और स्पेशली नहाने के बाद मैं तो ठंडे पानी से नहाती हूँ, चाहे कितना भी ठंड हो, जैसे अभी -20 डिग्री इतना फील्स लाइक है, डिस्पाइट दैट आई टेक शावर विद कोल्ड वाटर, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स टू बिल्ड माई इम्यूनिटी। और यहाँ पे मैं मस्त अपना चाय लेके स्नो का व्यू एंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज ब्रेकफास्ट हमारा इतना हैवी हो गया था, सो वी वर नॉट प्लानिंग टू लाइक ईट टिल लेट। और ऐसे भी अभी विंटर्स में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट वगैरह तो मेरा एकदम ख़त्म ही हो गया है, ऐसे आप समझो, मतलब मुझे खुद पे गुस्सा आता है यार, मैं कितनी लेजी हूँ, वर्कआउट वर्कआउट एक टाइम इतना करती थी, अभी एकदम बंद कर दी हूँ, मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बाद देखिए जैसे फिर से हल्की हल्की सी धूप निकल गई थी, और जब स्नो के बाद ऐसी हल्की सी धूप निकलती है ना और वो स्नो पे गिरती है, तो सच में एकदम मैजिकल लगता है, ऐसा लगता है ना गोल्ड गोल्ड जैसे शाइन हो रहा है। और बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या, मुझे क्या बोलूँ, मुझे ये सब नेचर की चीज़ें देख के ना, एज एन शॉपिंग करके या बाकी सब चीज़ें करके, उससे ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है, लाइक आई जस्ट लव। मुझे इंडिया कहीं ना कहीं इसलिए भी थोड़ा वियर्ड लगता था, बिकॉज़ हर जहाँ जाओ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, घर ही घर, घर ही घर, लोग ही लोग, मतलब कहीं नेचर का तो एंड भी नहीं दिखता था अंटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल कंट्री साइड ना जाओ। रहा है लेमन राइस, लेमन राइस में मैंने सोचा थोड़ा सा अनियंस डाल के देखते, बिकॉज अनियंस एनी वे कोई भी चीज़ आप डालो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कभी भी लेमन राइस पहले अनियन डाल के नहीं बनाया था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज ट्राइंग दिस थिंग एंड इट टर्नड आउट रियली गुड। एक्चुअली इट टेस्टेड लाइक पोहा, बिकॉज इसमें लेमन था, मिर्ची थी, हल्दी था, नमक था और ये सब चीज़ें थी, तो बहुत मतलब बिल्कुल एक्चुअली लग रहा था पोहा ही खा रहे। ये थोड़ा मेरा मशी मशी आपको लग रहा हो क्योंकि मेरा राइस थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था, थोड़ा ज़्यादा वाटर डल गया था, दैट इज़ वाई, अदरवाइज टेस्ट वाइज इट वॉज सो गुड एंड इट्स सो रिच इन प्रोटीन। मतलब ये आप एक कटोरी इतना भी खा लो देन आई डोंट थिंक आपको 6 घंटे तक भूख लगने वाली है। सो हम लोगों ने फिर आज सुबह से बहुत ज़्यादा हैवी हैवी और हाई इन प्रोटीन चीज़ें हो रही है और वर्कआउट बिल्कुल नहीं हो रहा, विच इज़ सो बैड फॉर द बॉडी। आप सिर्फ खाओ और वर्कआउट नहीं करो देन दैट इज़ लाइक यू नो इट डज रिवर्स। सो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग आउट वेरी सून बिकॉज दिस इज़ अ थ्रेशोल्ड आई हैव क्रॉस्ड। मैंने जो दही जमने के लिए डाला था देखिए वो इतनी जल्दी जम गया, मतलब ऐसे टेम्परेचर अगर मतलब ओवन में ऐसे हाई टेम्परेचर होता है ना तो फटाफट से दही जम जाता है, और ये घर की जो दही बनती है ना ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है, इतना क्रीमी क्रीमी थिक सा मलाई वाला मतलब। और इसके साथ लेमन राइस और साथ में मैंने थोड़ा सा लेटस वॉश करके रख लिया था, उसको बस चॉप करके, यू नो इट विल बी अ कम्प्लीट मील, इसमें कार्ब्स है, प्रोटीन है, देन देयर इज़ ग्रीन्स, सो या इट्स अ कम्प्लीट मील। थोड़ा बोरिंग टाइप का है, कुछ इनोवेशन नहीं है, लेकिन चलो जो है शरीर के लिए अच्छा, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए तो कम्प्लीट हो जाए।
अमेजिंग सी विंटरी सी वेलकम है। और अभी देखिए यहाँ पे आज फिर से ना बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, मतलब आई थिंक यहाँ पे पिछले 7 दिन से कंटिन्यूस स्नो हो रही है। मतलब रात को हम लोग को ऐसा लग रहा था ना कि इतनी स्नो होगी कि सुबह को इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा। आई मीन जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, जिनका वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है, वो लोग ऑफिस वगैरह नहीं जा पाएंगे। लेकिन स्नो के बाद थोड़ी सी ना बारिश हो गई, जिसकी वजह से स्नो काइंड ऑफ मेल्टेड एंड इट्स लुकिंग रियली प्रिटी। ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे पास ट्रैश का बैग है। ऑलमोस्ट मैंने घर का सा हाउस होल्ड वर्क इज़ डन, सो अभी बस मेरे पास थोड़ा सा ट्रैश था, तो सोचा वो भी फेंक के आ जाती हूँ, एक काम हो जाएगा। यार तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा भी ट्रैश होता है मैं जाके फेंक के आ जाती हूँ। आई डोंट लाइक एक्युमुलेटिंग डर्ट माई हाउस। और इधर देखिए कितना ज़्यादा स्नो जमा हुआ है एकदम, ये तो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है इस बार, और अगले वीक तक स्नो दिखा रहा है ऐसे रुक रुक के। ऐसे तो स्नोफॉल यहाँ पे अप्रैल तक होगा, अप्रैल मई तक, लेकिन भगवान ही मालिक है यार, अजीब लगता है। मतलब काम करते रहो, एज इन बिजी रहो तो कुछ फील नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ी देर भी आइडल बैठ जाओ ना, बहुत ये बहुत सैड सा लगता है मुझे, बहुत सैड सा लगता है, आई डोंट नो। फिलहाल हम लोग का रिसाइकलेबल वाला ट्रैश वाले एरिया के पास आ गए एंड डिस्पोज इट ऑफ, एक काम हो जाएगा। फिर अभी ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है, ये काम भी हो जाएगा ना, तो ऑल वर्क डन एंड मैं आप लोगों से अच्छे से बातें कर सकती हूँ। मुश्किल है यार स्नो में रहना ऐसे, अगर एक हर साइड का एरिया बहुत डर्टी है बिकॉज इट इज़ टेक्निकली ट्रैश एरिया डर्टी। और मैं अपना टोपी नहीं खोलूँगी इनफैक्ट, क्योंकि इतनी ठंड में स्टाइल मारने का नहीं है जितना है, सो विल सी। यार इतनी स्नो में आप लोग क्या करोगे, मतलब अभी घर जाके मुझे ऐसा मन कर रहा है ना, मैं सोच रही हूँ मैं उस वाले एरिया में थोड़ा सा घूम के आती हूँ। ये जो नीचे वाला एरिया ना, इतने कदर से रास्ता है या ये नीचे वाला एरिया थोड़ा सा, यार ये मुझे लग रहा है गायब ही हो गया स्नो में, कहाँ गया सीढ़ी। मुझे उस वाले एरिया में जाने का बहुत मन कर रहा है, लेट्स सी। हम लोग सीढ़ी के पास तो, हाँ वो रही सीढ़ी मुझे ना। और बस अभी मैं थोड़ा सा नीचे जाके वॉक करूँगी, घर का सारा काम हो गया, सारा ट्रैश डाल दिया, कल लॉन्ड्री कर लूँगी। सो बेसिकली वीकेंड पे मैं जितना मस्ती करती हूँ ना, मस्ती क्या करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, वीकेंड पे मैं जितना रेस्ट करती हूँ ना, वीकडे में वो काम करके सब भाजी हो जाता है, भाजी पाव हो जाता है एक साथ, सो टेक्निकली नो रेस्ट डे। एनीवे अभी हम लोग नीचे वाले एरिया में जाने वाले हैं इस बर्फीली स्नो में। ये लड़की पागल है क्या, इतनी स्नो में कहाँ जा रही है, लेकिन लगता है यार हाँ इस साइड का एरिया मैं कभी हैवी स्नोफॉल में नहीं आई हूँ, ऐसे तो आती रहती हूँ लेकिन हैवी स्नोफॉल में नहीं आई हूँ। सो आई रियली वॉन्टेड टू कम। और मेरा जूता आई थिंक थोड़ा गीला हो गया बिकॉज क्या होता है ना, स्नो से पूरा ये हो जाता है, कितना सुंदर लग रहा है। तो बस अभी जाके घर जाके मुझे करना है आराम और अच्छे से। फिलहाल यहाँ पे देखिए स्नोफॉल हो रही है और मेरे बाल पैसा लग रहा है ना, डैंड्रफ गिरा हुआ है, ये डैंड्रफ नहीं है स्नो में, बहुत बहुत मस्त लग रहा है। ये देखिए मैं कब से वेट कर रही थी यार कि जल्दी जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो और मैं यहाँ आऊँ। एनीवे जो थोड़ी सी मिक्स ऑफ रेन प्लस स्नो हो रही है ना, उसकी वजह से ना आपको पता है विंटर्स में सबसे बुरी बात क्या होती है, विंटर्स में ना ऐसे आपके बाल ऐसे आपके उलझ उलझ के काफ़ी ब्रेकेज होता है, और मेरे बाल अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर। एनीवे यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये हंसी यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे एक ही गाने आता था, ये हंसी वादिया मेरे साजना, ये बहारों में खिलती कली खिल गई, समथिंग समथिंग। आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग सो जस्ट इग्नोर।
एनीवे मैं बातें तो बहुत कर सकती हूँ, अभी घर चल के काम आराम करना है, आराम करना है। शाम को थोड़ी देर पीछे स्नो वाली गाड़ी गई, वो जो मतलब बिल्डिंग मैनेजमेंट का जो स्नो क्लीनिंग व्हीकल है ना, वो गाड़ी गई, क्योंकि रात भर स्नो होगी तो एक्यूमुलेट होगा राइट, एंड ड्राइववे में गाड़ी आएगी, सो दैट नीड्स टू बी क्लीन। एनीवे मुझे कोई भी काम नहीं करना, मैं करूँगी आराम, तो घर चल के मस्ती करूँगी। चलिए ठीक है, तो यही था आज का मेरा सिंपल सा क्यूट सा व्लॉग, आई होप करते आपको अच्छी लगी होगी। और सॉरी मेरा व्लॉग थोड़ा आजकल डिले हो रहा है, सो आई रियली रियली अपोलोजाइज, आप लोग समझ सकते हो बहुत काम हो जाता है और व्लॉगिंग शूट करना एडिट करना बहुत टेडियस हो जाता है। सो यस आई डू ट्राई माई बेस्ट कि मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपलोड करूँ, लेकिन हो नहीं, आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे। एंड चलो मैं अंदर चलती हूँ आराम करने घर पे, और आप लोग भी मत कोजी कोजी होके, ठंड बहुत है, सो स्टे होम। एंड मैं आ चुकी हूँ ऑलमोस्ट घर।